गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स मी शाहना परवीन, योर साइंस टीचर हियर. स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस देन हाउ वी हियर साउंड्स. एंड टुडे वी विल डिस्कस दैट लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स. व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन इन विच साउंड वेव्स इज ट्रेवलिंग. क्योंकि आपको एक बात बता देती हूँ मैं, क्योंकि साउंड्स को जो ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं करता है. सो जब पार्टिकल्स जो होते हैं ना कि मीडियम के वाइब्रेट करते हैं, मीन्स एयर ही है, एयर ही वाट उसका मीडियम है इसका साउंड का. तो जब उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन इन विच साउंड वेव्स इज ट्रेवलिंग, उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, उसे ही हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. When the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction, मतलब direction of waves movement transverse से longitudinal movement. देखिए यहाँ पर फोटो में भी आपको क्लियर है, direction of wave movement भी ऐसा है और movement of air particles भी ऐसा है first वाले diagram. लेकिन second diagram में क्या दिखाया गया है कि direction of wave movement तो ऐसा है but वो उसके perpendicular move कर रही है, ठीक है, to the direction of propagation. Then wave is called a transverse wave. उस condition में हम waves को transverse wave कहेंगे. And sound waves travel along the surface of solid and liquid as transverse waves. तो sound जो है travel करती है along the surface of solid. Solid और liquid जो होता है ना उसकी जो वो उस अगर solid या liquid हमारा क्या है, medium है sound travel करने का, तो उसमें transverse waves जो होती है ना उस तरीके से वो करती हैं, साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं. कैसे, आप एक मेज़ पर अपना कान रखकर देख सकते हैं. अगर आप अपना ईयर उस पर लगाएंगे, अपनी मेज सॉलिड होती है आपको पता है टेबल, तो अगर उसमें आप कोई भी टैप करेंगे तो वो आपको आवाज़ दे, साउंड आपको सुनाई देती है. तो दैट मीन्स वहाँ जो वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो डायरेक्शन होती है वेव्स की, वो ट्रांसवर्स होती है, अप एंड डाउन. देखिए अप डाउन होती है. एंड साउंड नीड्स अ मीडियम ट्रेवल. इसका हम कैसे पता कर सकते हैं कि टेक ए बेल जार लीजिए और उसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक बेल रख देंगे, फिर उसके बाद हम प्रेस करेंगे बटन को, तो यू विल हियर द साउंड ऑफ बेल. हमें क्या सुनाई देगा, साउंड का बेल सुनाई देगा. व्हेन द एयर फ्रॉम, जब एयर होगी जार से वो टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. अगर हम वैक्यूम पंप की हेल्प से मतलब जार को बिल्कुल क्या कर दें, उसके अंदर से एयर बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो हमें कोई भी, आप भले ही इसका बटन ऑन कर दें बट हमें कोई भी रिंग सुनाई नहीं देगी साउंड. इवन द स्विच इज़ ऑन अगेन ऑन पंपिंग द एयर इन साइड द जार यू कैन हियर द साउंड. और आप फिर से इसके अंदर पंप कर देंगे हवा को तो हमें फिर से साउंड सुनाई देगा. तो इससे हमें ये पता चलता है कि साउंड्स को नीड होती है मीडियम की. इसलिए ये क्या शो करता है, एक मीडियम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट साउंड. साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. साउंड नीड्स अ मटेरियल, मटेरियल मीडियम कोई भी हो सकता है, उसका मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी, टू प्रोपोगेट. बिकॉज साउंड ट्रेवल्स बाय प्रोड्यूसिंग एन ऑसिलेशन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इट. उस मीडियम में चारों ओर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ऑसिलेशन होगा. ऑसिलेशन आपने उसमें पढ़ा है पेंडुलम में, ठीक है, आगे पीछे वो घूमता रहता है ना जैसे पेंडुलम. तो लाइक दैट मॉलिक्यूल्स का भी ऑसिलेशन होता है सराउंडिंग द मीडियम, तो उसी से उन्हीं उस डायरेक्शन में होता है वेव्स, जिस डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. एंड इन एब्सेंस ऑफ मीडियम, अगर मीडियम ही नहीं है कोई भी, तो कोई मॉलिक्यूल भी नहीं होगा टू वाइब्रेट, देयरफॉर साउंड कैन नॉट मूव इन वैक्यूम. इसीलिए वैक्यूम में कोई साउंड ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल ही नहीं तो ट्रेवल कौन करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किसका होगा, वाइब्रेशन किसका होगा. इसीलिए वैक्यूम में साउंड्स ट्रेवल नहीं करती हैं. साउंड ट्रेवल थ्रू वाटर एंड सॉलिड मटेरियल आल्सो, सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल के थ्रू भी साउंड जो है वो ट्रेवल करती है. स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स. हम ये नहीं कह सकते कि साउंड की जो स्पीड होगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में सेम होगी, तीनों में अलग अलग होती है. एंड द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद वेरियस फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट क्या है, अगर उसकी बात करें, फिजिकल स्टेट्स आपको पता है टेम्परेरी स्टेट होती है, वो चेंज भी हो जाती है. हम अगर उस
उसकी बात करें वैक्स की, वैक्स लिक्विड भी होगा, वैक्स सॉलिड भी हो जाएगा। अगर उन दोनों में अगर हम साउंड की ट्रेवल की बात करें तो उनका साउंड का जो होगा डिफरेंट डिफरेंट हमें स्पीड जो है वो सुनाई देगी, वो सॉरी साउंड भी हमें डिफरेंट सुनाई देगी उनके, उनकी स्पीड भी अलग होगी। द गिवन टेबल शो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है मीटर पर सेकंड दे रखी, 332 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 332 मीटर जो है साउंड ट्रेवल करती है एयर में। वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड, मरकरी में 1452, ठीक है, ग्लास में 5000 है, एल्यूमिनियम में 5000 है। आपने देखा है ना बर्तनों की आवाज़ क्यों निकलती है ज़्यादा, एल्यूमिनियम हुआ, स्टील हुआ, ग्लास टूटता है कितनी ज़्यादा आवाज़ निकलती है, ग्लास पे आप स्पून बीट कीजिए बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है। वुड में देखिए, वुड में कम है, 4000 है, एंड डायमंड की सबसे ज़्यादा है। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउट टेबल दैट साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। इससे हमें क्या पता चलता है, गैसेस में बहुत कम स्पीड में साउंड जो है वो ट्रेवल करती है, लेकिन सॉलिड में और लिक्विड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, लिक्विड में और ज़्यादा और सबसे ज़्यादा सॉलिड में जो है वो ट्रेवल करती है, फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। वी हियर द साउंड ऑफ ट्रेन थ्रू रेलवे ट्रैक अर्ली एज कम्पेयर टू साउंड ऑफ ट्रेन इन एयर। हमें क्या ट्रेन की आवाज़ कब सुनाई देती है ज़्यादा जल्दी, जब हमें वो ट्रैक पर चलती है उस टाइम पर जल्दी जल्दी सुनाई दे जाएगी। अगर हम दूर हैं कहीं तो हमें साउंड जो है उसकी देर से सुनाई देगी, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ मोर देन ऑफ गैसेस, क्योंकि स्पीड जो होती है साउंड की वो सॉलिड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसेज। एंड योर फ्रेंड कैन परफॉर्म अ ईजी एक्टिविटी, आप एक ईजी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन प्लेस योर ईयर एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल, आप किसी मेटेलिक टेबल पर या वुडन टेबल पर अपना ईयर प्लेस कर सकते हैं। एंड आस्क योर फ्रेंड टू स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल स्लोली, ठीक है, अपने फ्रेंड से बोलो कि स्क्रैच करे इजीली उसे टेबल को, तो यू विल फाइंड दैट द साउंड ऑफ स्क्रैचिंग इज हियर वेरी क्लियर थ्रू द टेबल। तो थ्रू द टेबल आपको साउंड जो है बहुत आराम से सुनाई दे जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो मेक ए टॉय टेलीफोन इन योर होम, एक टॉय टेलीफोन बना सकते हैं अपने होम में। एक लॉन्ग पाइप लीजिए, उसको अटैच कीजिए टू होलो ग्लासेस से या फिर बाउल से एट द वन एंड ऑफ द पाइप। व्हेन यू विल स्पीक स्लोली देन यू कैन हियर इट प्रॉपरली एंड वाइस वर्सा, मतलब किसी भी साइड से आप बोलेंगे तो एक टॉय टेलीफोन बन जाता है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली आवाज़ को सुन पाते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, लाउडनेस एंड पिच है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड है, ये कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, ये दो लेक्चर में ये भी फिनिश हो जाएंगे। कोई क्वेरी है तो आप पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।